तो वही हिमाचल प्रदेश में बीती रात भारी बारिश के बाद तीन जगह बादल फटने की खबर आई। कुल्लू, मंडी और रामपुर में बारिश से भारी तबाही हुई है। पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से मलाड़ा में पावर प्रोजेक्ट एक का डैम भी टूट गया। रामपुर के समेज खड्ड में बादल फटने के बाद समेज गांव के कई घर बह गए हैं। अब तक दो लोगों के शव भी मिल चुके हैं, जबकि 51 से ज्यादा लोग लापता है। इनकी खोज और रेस्क्यू में SDRF और NDRF की टीमें भी जुट गई है। उत्तराखंड में केदारनाथ और टिहरी गढ़वाल के घनसाली में भी बुधवार रात बादल फटे। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई, एक शख्स घायल है। केदारनाथ यात्रा रूट पर 30 मीटर की सड़क टूटकर मंदाकिनी में समा गई। यहां 200 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है। धर्मशाला जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 4 से 5 दिन तक भारी बारिश जारी रहेगी। कुल्लू में कलेक्टर तोरुल एस रवीश ने भारी बारिश के बाद सभी शिक्षण संस्थानों में 1 और 2 अगस्त को छुट्टी भी घोषित कर दी है।